गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी यार क्लास खत्म हो गया और क्लास में आज इतना सारा चीज पढ़ने को मिला ना, इतनी सारी नई बातें। मतलब मैं पेपर 7 का जो पार्ट 1 है वो लॉज वगैरह के ऊपर है, तो आज हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 354 के बारे में और 498A के बारे में, जो कि क्रुएलिटी के ऊपर है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर भी देख रहे थे। तो सर ने बताया कि जैसे कोई भी केस रहता है, तो पुलिस ने अगर इल्ज़ाम लगाया किसी बंदे पे, एक्स पर्सन पे, तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है वो कि वो एविडेंस दे कि हाँ इस पर्सन ने ये क्राइम किया है। तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो एविडेंस प्रोवाइड करे। लेकिन अगर केस होता है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो अगर फीमेल ने बोल दिया कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो जो बंदे के ऊपर ब्लेम लगाएगी वो बंदे को प्रूव करना पड़ता है कि वो ही इज़ नॉट गिल्टी। तो ऐसा कानून में बहुत सारा स्पेशल प्रोविजन है लड़कियों के लिए, और होना भी चाहिए यार, क्योंकि अपने हमारे समाज में तो देखते ही है कितना ज़्यादा वुमेंस के अगेंस्ट क्राइम होता है, हेट क्राइम्स होते हैं, डाउरी किलिंग होता है, मर्डर्स होता है, रेप होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, क्या क्या नहीं होता, इतने सारे कानून बने हुए हैं। तो भाई बहुत मस्त क्लास थी, और जो सर हमारे पढ़ाते हैं, स्वामीनाथन सर नाम है, बहुत ज़ोरदार पढ़ाते हैं, एक नंबर। तो अभी फ़िलहाल जाता हूँ मैं, ब्रश करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, और उसके बाद 11 बजे पढ़ने बैठूँगा। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 10:08। तो मिलते हैं। पापा मंगाए हैं वैक्यूम सीलर, इससे ऐसा हो जाता है पूरा एयर खींच लेता है, इसको सील पैक भी कर देता है, इसमें ख़राब नहीं होता बहुत दिन तक। कभी नेक्स्ट टाइम रिशू के पास कुछ भेजेंगे तो उससे वैक्यूम सील करके हम लोग डालेंगे। तो गाइस बज रहे हैं 11, तो अब पढ़ने बैठता हूँ और फिर डायरेक्ट मिलूँगा आपसे 2 बजे। और फिलहाल आज भी कोई काम नहीं है यार। संडे को मेरा वर्शिप लीड करने का था, लेकिन संडे को भी मेरी क्लास लग गई है, वो भी 8 से 11 बजे तक, तो वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब प्रैक्टिस में भी नहीं जा पाऊँगा, तो और कंटेंट की वाट लग गई, तो अब कुछ कर नहीं सकते इसका। तो अभी फ़िलहाल पढ़ता हूँ और आपसे मिलता हूँ 2 बजे के आसपास। तो गाइस बज गए 2, और आज यार ये 5 वाला पढ़ने में काफ़ी नींद आ गया, एकदम थोड़ा बोरिंग टाइप का हो गया था, बस याद करने का था। तो अभी फ़िलहाल देखता हूँ मम्मी कब आती है। मम्मी आएगी, लंच करूँगा, उसके बाद जाऊँगा जिम, आज शोल्डर एंड लेग्स है, और अभी फ़िलहाल जाके देखता हूँ टीवी थोड़ा देर, क्योंकि एकदम नींद आने लग गया अब। तो मम्मी आ चुकी है ड्यूटी से, शीरो भी आ गई मम्मी का, शीरो भी आई मम्मी को वेलकम करने। तो बढ़िया, अभी लंच करते हैं, इसके बाद जाऊंगा जिम। वैसे तो अब लेट हो गया, आज 3:15 होने वाला है, मतलब 3:10 हो गया, उसके बाद जाऊंगा। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए, लेकिन उससे पहले अभी जाता हूँ पेट्रोल डलाने, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल डला के सीधा जिम, भैया फुल कर दो। अब अच्छा लगा ना कांटा देख के, ऐसा रहता है तब मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। निकल रहा हूँ घर, आज लेग नहीं मारा, बस शोल्डर मार के घर जा रहा हूँ, इसके बाद जाऊँगा मम्मी के साथ कपड़ा लेने, तो वो दिखाऊँगा आप लोग को। जिम से आके बढ़िया 200 ml पानी में प्रोटीन, उसके बाद इसको बस मिलाना है, पीना है, और अरे यार मिल थोड़ा सा, और इसके बाद जाऊँगा नहाने। भाई का नाम, चर्च का जो प्रोग्राम बना है ना उसमें इसका नाम है सुधांशु,
ये मेरी गलती नहीं है, मुझे बोला गया था, बट मैंने रितिका को बोला था कि रितिका प्लीज भेज देना, रितिका एक काम नहीं करती है और मेरा नाम गलत हो गया उसके चक्कर में। मां सब सब जगह एलईडी पर एलईडी सब, मैं सुधांशु कलियारी चलेगा एक नंबर। बाय। तो मस्त से नहा धो के तैयार हो गया हूँ, अब जा रहे हैं बस कपड़ा लेने के लिए, मम्मी रेडी हो रही है, उसके बाद निकलेंगे। और यार मैं फिर से कंफ्यूज्ड हूँ कौन से कलर का, मैं इस बार सोच रहा हूँ सूट पहनूंगा क्रिसमस में, तो कलर तो दिमाग में सिर्फ ब्लैक ही आता है मेरे। तो यार कमेंट करना और क्या कलर पहन सकते, वैसे तो एक कलर मेरे दिमाग में और आ रहा था डार्क टाइप का ग्रे, या फिर बस अभी तो ग्रे आ रहा है और एक ब्लैक आ रहा है कंप्लीट ब्लैक। तो अगर आपके दिमाग में और कोई कलर है जो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर से। अभी फ़िलहाल चलते हैं कुछ कपड़े देख के आते हैं। तो अब हम लोग निकल गए हैं पुलगांव मार्केट के लिए, वहीं होलसेल मार्केट है तो वहाँ कपड़ा वगैरह सूट के लिए अच्छा मिलता है, वो ये भी देखने जा रहे हैं कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं, देखते हैं। थोड़ा मेरे को भैया टेक्सचर टाइप वाला ब्लैक दिखाओ ना, जैसे ये ग्रे और ये ऑलिव ग्रीन दिखाया ना, ऐसा कुछ टेक्सचर टाइप में ब्लैक, सब प्लेन प्लेन हो गया। ये ब्लैक, ये ग्रे और ये ऑलिव ग्रीन, ब्लैक और ग्रे तो फोन में एक ही जैसे ही दिख रहे शाइन के कारण। लाइनिंग टाइप का देख, ये है मिडनाइट ब्लैक, ब्लू दिन में ब्लू दिखेगा रात में ब्लैक। कैमरे में सब ये वाइन है पर्पल है, ये भी चल कैमरे में तो सब सेम दिख रहे देख ना, ऐसे भी हां वाइन भी ऐसे दिख रहा है, ग्रीन बस अलग दिख रहा है बाकी, और ये चेक अलग दिख रहा है, इसको तो फाइनल ब्लैक को ना। तो एक ये फाइनल हुआ ऑलिव ग्रीन, इसके साथ ऑफ वाइट शर्ट, फिर ये ब्लैक सूट उसके साथ ब्लैक शर्ट, वो रेमंड का है, ये कुछ इम्पोर्टेड वाला है पता नहीं। तो 2 मिनट डी मार्ट आया हुआ था दूध लेना है, क्योंकि यहाँ दूध बड़ा सस्ता मिलता है, और जॉनसन बेबी का शैम्पू क्योंकि वो सल्फेट फ्री होता है। एज अ गुड सिटीजन वापस गया था क्रेट रखने, घर आ गया हूँ और फिलहाल अभी वेट कर रहा हूँ सुभांशु के लिए, वो आएगा फिर जाऊँगा मैं सेक्टर 2 में, एक टेलर है उसके पास कपड़े छोड़ने अपने, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ अभी। हाय किया, हाय किया के मामू। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, बाय मौसी, बाय। मेरे को तो नहीं बोलती, तू डिसर्व नहीं किया ना अभी, रिस्पेक्ट कहने क्यों, मैं रिस्पेक्ट, मैं तो हर किसी की रेस्पेक्ट करता हूँ, नहीं तुझे गेन करना है आप इससे। ओके गाइस, सेक्टर 6 में बॉन आए हुए हैं बीच का सूट सिलवाने, बीच का बेटर दिखा इधर का दिखा, क्या एक्टिंग कर रहा है
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है गाइस, यहाँ की फिटिंग बहुत अच्छी होती है बॉन बॉन की। अभी जिम जा रहा है ना अंकल, इसे थोड़ा सा छाती ज्यादा दिखा रहा है। नहीं ठीक है। पेट अंदर क्या करता है रे, बाहर निकाल ना, जितना उतना दिखा। अरे फिर ऐसे अंदर करके रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो भाई सूट वाला काम पूरा हो गया है, अब मैं और सुभांशु दोनों जा रहे हैं घर। और यार मस्त है वो जो शॉप है ना, सेक्टर 2 कौन सा मार्केट है मैं भूल गया, वो मार्केट का नाम बॉनबॉन नाम है लेकिन शॉप का, एकदम प्रोफेशनल। क्या बढ़िया से 2-3 बार नाप लिया, कंफर्म किया और एकदम एक नंबर। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा काम करके देगा। 18 को बुलाया ट्रायल में, तो 18 को आएंगे ट्रायल करने। और पता नहीं कौन से वाले सूट को कब पहनूंगा, ये भी डिसाइड नहीं हुआ अभी। वैसे 2 सूट बनवा रहा हूँ, चाहते हैं कल। तो गैस घर आ चुका हूँ और वही मम्मी लोग को बता रहा था कि बहुत बढ़िया टेलर है वो, अब देखते हैं कैसा आता है उसका फिटिंग वगैरह। वैसे 18 को बुलाया है ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।